हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज मुझे नए बंदे मिले लाहौर के, समझ लो कि भाई न्यू फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको उनका तारुफ भी कराऊंगा और वो सीनियर है मुझसे यहाँ पे, तो उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करवाऊँगा उसाम भाई की। उसाम भाई, अपने बारे में ज़रा बताएँ आप। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हाय गाइस, कैसे हैं आप। अभी आज मेरा फर्स्ट डे है, मेरी आज मुलाकात हुई है मुआविया के साथ थ्रू वकास। या दिस इज़ द गाय वकास, बोथ ऑफ दीज गाइज आर क्लासमेट्स। सो हम लोग निकले हैं यहाँ पे ग्रॉसरी करने विद टू बैग्स। वेट वेट, थैंक यू। एंड नाउ वी आर शेयरिंग अप। Now up to Vakas, we'll tell you more about UK. Let's continue, Vakas. Hi guys, कैसे हैं आप लोग। आज हम माविया के साथ हैं और आज जैसा कि आप देख रहे हैं मौसम भी बहुत खुशगवार है, बहुत अच्छा हमारा एक तीनों का जो है फिलहाल एक अच्छी वॉक के साथ था। एक अच्छे बॉन्ड के साथ हम जो है ग्रोसरी करने के लिए जा रहे हैं और मौसम बहुत खुशगवार है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो विकास भाई, अपना एक्सपीरियंस बताएं जो आपने रूम के सिलसिले में मुझे बताया था, वो ज़रा लोगों तक पहुँच जाए। हमारा जो हमने जिससे रूम लिया था उसके साथ हमारा जो एक्सपीरियंस इंतहाई बहुत ही गंदा गुजरा है, ठीक है। उसने ना हमें जो हमें बताया था, जो फैसिलिटीज़ का हमें जो है वादा किया गया था वैसी हमें फैसिलिटीज़ उसने नहीं प्रोवाइड की हैं। हर आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है और ख़ास तौर पे कभी बॉयलर का इशू है, कभी रेडिएटर का इशूज़ हैं, और फिर फाइनली जो एक इशू हमें फेस करना पड़ा है वो इंटरनेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटरनेट के बगैर हमारी जो ज़िंदगी है वो कुछ भी नहीं है, और हम 20 दिन बगैर इंटरनेट के साथ गुजार रहे हैं और गुजार रहे हैं और गुजारते चले जा रहे हैं। तब तक गुजारते चले जाएंगे जब तक कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हो जाता। तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो तो बहुत गंदा रहा है, लेकिन आगे देखते हैं क्या बनता है आगे। अब हम माविया को देते हैं, वो आपके साथ जो है वो। बाकी वकास भाई का कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो रहा है अगले मंथ की 8 को, 8 जुलाई ना। तो उसके बाद मैंने ये सोचा है कि भाई मैं इनके साथ शिफ्ट हो जाऊँ, हम तीनों एक साथ रूम में रहें, क्योंकि बंदे अच्छे हैं यार, कभी बंदे हैं मेरी तरह, ठीक है। तो बाकी जहाँ मैं पहले रह रहा हूँ वो भी अच्छे बंदे हैं, काफ़ी नाइस बंदे हैं, लेकिन वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो किचन है वहाँ पे चूहे बड़े हैं यार। वो जो भी आप बर्तन रखोगे वो उस पर कूदेंगे, ठीक है। तो जब किचन में जाओगे वो भाग जाएंगे वहाँ से, लेकिन मैं बड़ा तंग उन चूहों से, उन चूहों को मैं कुछ कह नहीं सकता। यहाँ का ला ऐसा है, पाकिस्तान में तो हम मार के फेंक देते थे, यहाँ पे हम चूहों कुछ कह नहीं सकते, इवन कि चूहों कुछ खाने के लिए। हाँ, पाकिस्तान में चूहों को वो चॉकलेट होती है, चूहे मार चॉकलेट वो फेंगे। यहाँ पे चूहों को भी हकूक हासिल है भाई, आप चूहों कुछ भी नहीं कह सकते। आपका पिज्जा खा जाए कुछ भी नहीं कह सकते, आपका खाना खा जाए कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ पे चूहे इंजॉय कर रहे हैं भाई, वहाँ के जितने भी चूहे हैं मैं तो कहता हूँ उनको इन्वाइट करो भाई यूके में। बाकी हम जा रहे हैं ज़रा ग्रॉसरी शॉप, तो वहाँ पर आपको जो है मैं बताऊँगा कि हमने क्या क्या लिया वहाँ से और उनकी प्राइसेस बताऊँगा। तो सो स्टे ट्यून, यहाँ पे वीडियो में स्टॉप करता हूँ और देन वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। जैसा कि हम लिडल जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें लेने, कुछ शॉपिंग करनी है यहाँ पे, तो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँगा कि हमने क्या क्या लिया है। वकास भाई और साम भाई आगे की जा रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे। अब मुझे मास्क पहनना है तो मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी, देन मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ इस तरह मिल रहा है, यहाँ पर बिल्कुल क्लीन है सब कुछ, पैक हुआ है। बाकी यहाँ पे जो सबसे महंगी चीज़ है वो पाकिस्तानी मैंगो है। बाकी अब देखते हैं वकास भाई क्या लेते हैं यहाँ पे। मैं तो यहाँ पे शॉपिंग करने नहीं आया, तो वकास भाई ने यहाँ पे शॉपिंग करनी है, तो देखते हैं वो क्या चूज़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमने ओनियन लिया, तो ओनियन की प्राइस यहाँ पे लिखी है, जैसे कि ब्राउन ओनियन जो है वो 69 पीस है,
इससे जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस यहाँ पर, जैसे एक्स्ट्रा लार्ज ओनियन 1.2 और रेड ओनियन 55p, मतलब 55p मीन 55 पेंस। इस तरह यहाँ पे सब चीज़ों की प्राइसेस लिखी हुई हैं, सॉफ्ट मीडियम वाइट 55 पेंस, 4 वाइट मफिन्स 39 पेंस। सो यहाँ पे सबकी प्राइसेस लिखी हुई है। यहाँ पे आने की वजह ये है कि यहाँ पे चीज़ें वो ज़रा सस्ती मिलती हैं बाकी के नस्बत, बहुत सस्ती मिलती हैं। बल्कि प्रकाश भाई जो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे चीज़ें बहुत ही सस्ती मिलती हैं। बाकी यहाँ हमजा भाई कंफ्यूज हो गए हैं जूस लेने में तो हमजा भाई ने एट ये डिसाइड किया कि भाई ये वाला हमें जूस ले रहे हैं। कौन सा लिया हमजा भाई? ये क्रैनबेरी रेसबेरी। अच्छा, ये वाला जूस लिया। बाकी ये सारी वाइन्स हैं जो हमारे लिए नहीं है भाई, ये सारी ये डिफरेंट प्राइसेस है वाइन्स की। बाकी अब पेमेंट करने का टाइम आ गया है।